हेलो माय आर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो है लैब इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रेनल सिस्टम। हम जानते हैं कि किडनी हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये ना सिर्फ हमारे जिस्म में पानी की मकदार को कंट्रोल करता है, बल्कि हमें मूत्र किस्म के टॉक्सिक सब्सटेंस से भी छुटकारा अदा करता है। बहुत से नाइट्रोजनस वेस्ट की एक्सक्रीशन में ये अपना अहम रोल अदा करता है। किडनी हमारे ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस और इलेक्ट्रोलाइट्स की मेंटेन और उनके सही से काम करने और उनकी मिकदार को कंट्रोल रखने में बहुत अहम काम अदा करता है। मौजूदा तहकीक से साबित हुआ है कि हर तीसरे में से एक इंसान जरूर रेनल सिस्टम की फॉल्ट में इन्वॉल्व है। और हमें जानने के लिए कि रेनल सिस्टम का फॉल्ट के लिए हमें लैब इन्वेस्टिगेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लैब इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं कि लैब इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रेनल सिस्टम में कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं और उनके करवाने की वजूहत क्या है और उनके नेगेटिव और पॉजिटिव होने से किडनी और रेनल सिस्टम पे कौन कौन से असरात मुतरतब होते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट करवाया जाता है वो है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस एक बहुत जनरल किस्म का टेस्ट है जो सबसे पहले यूरिन के टेस्ट और उसके सैंपल लेके किया जाता है। यूरिन एनालिसिस में हम इसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स और केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन देखते हैं। इसमें इसकी कलर, ऑर्डर, पीएस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रोटीन, ग्लूकोज और आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज जैसे कंपोनेंट्स का मुताला किया जाता है। बहुत जल्द एक वीडियो यूरिन एनालिसिस पे डिटेल से हम एक एक कंपोनेंट पे बात करेंगे। सो कीप वाचिंग और नीचे दी हुई लिस्ट में आप यूरिन एनालिसिस की डिटेल से दी हुई वीडियो को ज़रूर देखें। आइए हम बात करते हैं स्पेशल टेस्ट ऑफ यूरिन। यूरिन के लिए एक स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसमें हम इसके अंदर कैल्शियम, यूरिन सिस्टेन, यूरिक एसिड और कीटोस्ट्राइड सेल, सोडियम और पोटेशियम की तादाद और इनका मुतय्यन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिन में कैल्शियम की तादाद को। इस टेस्ट के लिए 24 घंटे के यूरिन एक साफ बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। यूरिन में कैल्शियम की नॉर्मल तादाद 250 मिलीग्राम 24 घंटे में मुकर्रर होती है। यूरिन में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होने की वजह पैराथायराइड ग्लैंड का ज़्यादा काम करना है। इसके अलावा चेस्ट और लंग्स के कैंसर का फैल जाना, ज़्यादा स्टीरॉयड का इस्तेमाल और मरीज़ का ज़्यादा देर तक बिस्तर पर रहना, ये कैल्शियम के ज़्यादा होने की वजहात हो सकती है। इसके अलावा यूरिन में कैल्शियम की कम मिकदार की वजह विटामिन डी की कमी या मेल अब्जॉर्प्शन, इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड का कम काम करना है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो यूरिन सिस्टेन है उसकी मिकदार क्या है। इस टेस्ट के लिए यूरिन का ताज़ा सैंपल दरकार होता है। ये टेस्ट सिस्टेन यूरिया की बीमारी की तशखीस के लिए किया जाता है। नॉर्मल वैल्यू में ये नेगेटिव शो होता है और इस बीमारी में सिस्टेन की पथरी में पैदा हो सकती है। इसकी पथरी को देखने के लिए हम ये टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा यूरिक एसिड का टेस्ट के लिए हमें 24 घंटे का यूरिन किसी साफ जार में इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद हम इसकी नॉर्मल वैल्यू देखते हैं, क्या इसकी नॉर्मल वैल्यू है, और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.5 से लेके 1 ग्राम 24 घंटे के अंदर अंदर होती है। यूरिक एसिड का यूरिन में ज़्यादा होना गेंठिया और जिगर की बीमारियों को जाहिर कर सकता है। इसके अलावा यूरिक एसिड की कमी गुर्दों की खराबी को भी जाहिर करता है। आगे हम बात करते हैं कीटोस्टेरॉइड की। ये टेस्ट 24 घंटे का यूरिन किसी जार में इकट्ठा किया जाता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू 17 तक होती है। मर्द हजरात में इसकी वैल्यू 18 मिलीग्राम 24 घंटे में ली जाती है और इसके अलावा औरतों में इसकी तादाद 15 मिलीग्राम 24 घंटे होती है।
कीटोस्टेरॉइड की यूरिन में ज्यादा होने की वजहात जो है उम्र के लिहाज से पहले प्यूबर्टी तक पहुंच जाना या फिर छोटे बच्चों में जीन्स का तयन करना, सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं जिसे। आगे हम बात करते हैं यूरिन सोडियम में, यूरिन के अंदर सोडियम की तादाद के बारे में। ये इस टेस्ट के लिए 24 घंटे का यूरिन दरकार है। नॉर्मल सोडियम वैल्यू 200 मिली इक्विवेलेंट पर 24 आवर। ये टेस्ट गुर्दों के अफाल देखने के लिए करवाया जाता है। यूरिन पोटेशियम, यूरिन पोटेशियम के लिए 24 घंटे का यूरिन दरकार होता है और नॉर्मल पोटेशियम लेवल 40 और 80 मिली इक्विवेलेंट पर 24 आवर है। ये टेस्ट गुर्दों के फंक्शन के लिए करवाया जाता है। हमने अब जो स्पेशल टेस्ट के बारे में बात की, अगर हम बात करते हैं इनकी रिपोर्ट्स के बारे में, आप रिपोर्ट्स में देख सकते हैं जैसे कि क्रिएटिनिन, यूरिया, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन और यूरिक एसिड, फास्फेट, पोटेशियम, सोडियम और दीगर कंपोनेंट्स के बारे में बात की गई है। रेनल फंक्शन, रेनल फंक्शन सबसे पहले तो इसका करवाने की वजहात ये होती है कि ताकि हम देख सके कि जो हमारे गुर्दे हैं क्या वो अपने फंक्शन सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। और इसमें दो तरह का टेस्ट होता है, एक ब्लड यूरिया और एक है क्रिएटिनिन। ठीक है, इसमें इसको करवाने की सबसे बड़ी रीज़न है कि हमने देखना है कि किडनी का फेलियर लाहक तो नहीं है किसी पेशेंट को, तो इसके लिए हम दो टेस्ट करवाते हैं। ब्लड यूरिया, सबसे पहले हम करवाते हैं ब्लड यूरिया। गुर्दों का फंक्शन देखने के लिए ये टेस्ट बहुत अहम है। गुर्दों के फेल होने की सूरत में जिस्म के अंदर यूरिया की मकदार बढ़ जाती है और इसकी नॉर्मल वैल्यू इंसानी जिस्म में 20 से 40 मिलीग्राम फी 100 मिलीलीटर होती है। यूरिया की ज़्यादा मकदार होने की वजहात गुर्दे का फेल हो जाना, नेफ्रेटिस और डायबिटीज जैसी बीमारियों का सबब बनता है। इसके अलावा यूरिया का लेवल कम होना, जिगर का काम ना करना या अस्पताल में मरीज को ज़्यादा देर ग्लूकोज की ड्रिप लगाना, इसका भी सबब बनता है। आगे हम बात करते हैं क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन एक स्पेसिफिक टेस्ट है और ये बहुत बेस्ट टेस्ट समझा जाता है किसी भी रेनल फंक्शन के बारे में पता करने के लिए। सैंपल की कलेक्शन की जाती है, इसमें हम 1 मिलीलीटर खून लिया जाता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू खून में 0.8 से 1 मिलीलीटर फी 100 मिलीलीटर होती है। सीरम क्रिएटिनिन की मकदार ज़्यादा होना रेनल फेलियर को जाहिर करता है और इसकी तादाद ब्लड में मौजूदा एवरेज से कम होना मस्कुलर डिस्ट्रोफी को जाहिर करता है। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग और डिस्क्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।